Hello everyone, welcome to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. Subject code is KEC201T and here we are in lecture number 10 of unit number 3. So, in the previous lecture we have discussed about wireless technology, what is Bluetooth and Wi-Fi technology. Now, in this lecture, हम लोग बात करने वाले हैं the different topics like concept of networking, what do you mean by networking, sensor, हम already पहले ही पढ़ चुके हैं, तो different type of sensor हम यहाँ पे देखेंगे, क्या काम करते हैं वो, then what do you mean by sensor node and what is the concept of cloud. So, one by one, इन topic को start करते हैं, in our this lecture, that is concept of networking. So, networking और you can simply say what is network. तो network क्या है? अब आप simply बोलें कि अगर मैंने अपने एक system को दूसरे system के साथ communicate करने के लिए connect कर लिया, यानी हम दो computer को एक same platform पे connect कर लेते हैं, या दो computer की जगह मैं example ले सकता हूँ, a computer and a printer. So जब एक printer एक computer से attach कर दिया गया, तो that means these two devices are on the same platform, so that वो device आपस में communication कर सकें. So that is called a network. A group of computer and associated devices that are connected by the communication facilities, or you can say ki devices aapas mein communication kar sakte hain, uske liye wo aapas mein ek saath connect kar diye gaye and they form a network. अब अगर मैं इसी चीज को IoT रेफरेंस में बोलूं, तो IoT नेटवर्क क्या है? IoT नेटवर्क रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. यानी वहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, द मशीन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर लाइक ऑटोनोमस कार है. अब ऑटोनोमस कार है या स्मार्ट अप्लायंसेज हैं, आपकी वियरेबल टेक्नोलॉजी है, आप वॉच स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो स्मार्ट वॉच क्या है? स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली आपके फोन से डेटा सिंक कर रही है, आपका फोन आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है, वो आपका ऑटोमेटिकली डेटा सिंक कर लेता है. दैट मींस द डिवाइस कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. ऑटोनोमस कार है, अब कार के अंदर आपका जैसे ही कार ऑन होती है, आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है या आपकी कार का टेम्परेचर सेंस हो जाता है, तो हर एक मशीन हर एक सेंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को आपके डेटा को कम्युनिकेट करते हैं आपस में. सो दैट बिकम्स अ नेटवर्क. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज सेंसर. तो सेंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल एंड डिजिटल डेटा ड्राइव फ्रॉम अ फिजिकल कंडीशन और इवेंट. और सिंपली आई कैन से कि फिजिकल इवेंट को, फिजिकल चेंज को जो कि आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट में है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, लिक्विड चेंज हो सकता है, लिक्विड लेवल चेंज हो सकता है, इन चीजों को सेंस करके वो आपके इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर ओवर हियर, लाइक टेम्परेचर सेंसर है विच विल detect the temperature of air or physical object and convert the temperature level into an electrical signal. Humidity sensor होते हैं जो आपके humidity को sense करते हैं, measure the amount of water vapor in the atmosphere of air or other gases. तो humidity को measure कर रहे हैं. वहीं पे आपका pressure sensor होता है जो कि sense करता है the change in the pressure of gases or liquid and communicate them to the connected system. अब एक system से पहले आपने pressure sensor लगा दिया, तो जैसे ही pressure change होगा, वो pressure के level में जैसे ही change दिखेगा, तो that change will be communicated to the connected device. So this is the main role of sensors. Now, अब अगर और different sensor की बात करूँ, तो proximity sensor बहुत ही ज़्यादा use होता है, because this will detect the presence or absence of object that approaches the sensor. Like आपने automatic gate सुना होगा कि जैसे आप enter कर रहे हैं, gate अपने आप से open हो जाता है. तो that is with the role of proximity sensor. उसने object को detect किया, object से जो IR rays पड़ रही होती हैं, वो ब्रेक हो जाती है. ब्रेक होने की वजह से आपका सेंसर ने क्या किया, सेंसर ने एक सिग्नल प्रोवाइड कर दिया कि हाँ समथिंग इज देयर. अब वो सिग्नल आपका फर्दर डिवाइस को जाएगा, वो डिवाइस उस सिग्नल के बेस पे एक्शन लेगा, एक्शन होगा, आपका डोर ओपन है तो क्लोज हो जाता है, क्लोज है तो ओपन हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ सेंसर आर वेरी वेरी यूजफुल. ऑटोमेशन में सबसे बड़ा रोल सेंसर का ही है. जैसे कि नेक्स्ट सेंसर है लेवल सेंसर. लेवल सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट द लेवल ऑफ अ लिक्विड रिलेटेड टू अ बेंचमार्क वैल्यू. अगर एक वैल्यू के नीचे जा रहा है आपका लेवल, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक्शन बता देगा, इन्फॉर्मेशन बता देगा कि हाँ जी आपका जो लेवल है वो डाउन चला गया. स्मोक सेंसर है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मोक. गैस सेंसर है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिस कम्बस्टेबल एंड फ्लेमेबल गैस इन द विसिनिटी ऑफ सेंसर. जो भी सेंसर की रेंज में आते हैं, उन चीजों को डिटेक्ट करके आपको इंटीमेट करता है वाया द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर अवेलेबल. इसके अलावा भी बहुत हैं, बट यहां मैंने मेन सेंसर कवर अप किया जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाते हैं. Now, अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं इस लेक्चर के, तो दैट इज कॉल्ड द सेंसर नोड. जी हाँ, व्हाट इज दिस नोड? तो अब अगर आप ये मान के चलें कि आपके सिस्टम में एक सेंसर तो है नहीं,
आपके सिस्टम में मोर देन वन सेंसर हो सकता है. तो जब हमारे पास मोर देन वन सेंसर अवेलेबल होते हैं तो वी हैव टू यूज दिस सेंसर नोड. अब सेंसर नोड क्या कर रहा है? सेंसर नोड इंटीग्रेट्स वन और मोर सेंसर्स और एक्चुएटर्स, अ प्रोसेसर, अ कम्युनिकेशन यूनिट एंड अ पावर सप्लाई एंड अ मैनेजमेंट यूनिट. सो आपका जो सेंसर नोड है वो इन सबको आपस में क्लब करता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबको ज्वाइन करने का काम, कि लाइक अ माइक्रो कंट्रोलर है, इसे आपको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट, पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर ट्रांस रिसीवर है, यानी आपके सेंसर से सिग्नल सेंस हुआ, देयर इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसके बेस पे एनालॉग वैल्यू डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट हुई, माइक्रो कंट्रोलर ने ट्रांस रिसीवर को सेंड किया, ट्रांस रिसीवर ने आगे डिवाइस को सेंड कर दिया ऑन द डेस्टिनेशन पार्ट, या वही वैल्यू आप एक्सटर्नल मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं. तो दिस ऑल इंटीग्रेशन दैट कम्स अंडर टू द सेंसर नोड, कि जब एक से ज्यादा सेंसर या एक, ये जितनी भी आपकी कंप्लीट यूनिट्स हैं, इनको इंटीग्रेट करने के लिए, इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सेंसर नोड. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस यूनिट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड. जी हाँ, क्लाउड क्या है? वी ऑलरेडी नोन कि क्लाउड रेफर्स टू द सर्वर डेट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट. अब अगर हम बात करते हैं आज के डेट में मेल की, जहां पे हमें ड्राइव ऑप्शन मिलता है कि ड्राइव जीमेल ड्राइव है, ड्राइव के ऊपर हम डेटा को सेव करा देते हैं, सो उससे हमें फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ? तो ड्राइव इज सॉर्ट ऑफ क्लाउड, क्योंकि क्लाउड आर द सर्वर जो कि हमारे पर्सनल मशीन पे नहीं है, फिजिकल मशीन पे नहीं है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, क्लाउड एक ऐसी जगह है जहां पे आपने अपना डेटा सेव करा दिया, सो दैट आप अपनी एप्लीकेशंस को भी वहां से रन कर सकते हैं, डेटा को वहां से रन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड, कि आपकी मशीन पे ना होके कहीं और अदर फिजिकल मशीन है जहां पे वो डेटा सेव है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड. क्लाउड रेफर्स टू द सर्वर दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट एंड द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस दैट रन ऑन दोज सर्वर. राइट जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैं कोई सॉफ्टवेयर रन करना चाहता हूं और वो सॉफ्टवेयर मैं डायरेक्टली अपने सिस्टम पे ना इंस्टॉल करके आई विल रन ऑन दैट पर्टिकुलर वेब एड्रेस. मैं एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस पे गया, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मुझे पता है मैटलैब है, मैटलैब exe फाइल भी है, आप उस exe फाइल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तब उसे एक्सेस करें, या आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, आप वहां पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये एक सर्वर कहां पे चल रहा है, ये एक पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहा है जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो. सो दैट इज द रोल ऑफ दिस क्लाउड, कि क्लाउड सर्वर जो कि हमारे डेटा सेंसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं, हमें भी नहीं पता होता कि बेसिकली डेटा कहां से उठ के आ रहा है, कौन से क्लाउड से आ रहा है, बट बाय यूजिंग दिस क्लाउड कंप्यूटिंग इसका यूज करती हैं कंपनीज यूजर टू, सो दैट दे डोंट हैव टू मैनेज द फिजिकल सर्वर्स देमसेल्फ. उन्हें अपने लोकेशन पे फिजिकल सर्वर नहीं बनाने, उन्हें केवल क्या यूज करना है, use only the machine. Machine अब अपना data कहां save कर रही है, कहां से hard disk बन रही है, so that आप machine को कहीं पे भी ले जाइए, आप घर पे ले जाइए अपने. आज के date में अगर हम work from home कर रहे हैं तो work from home इसी बेस पे है कि हमारा सारा data availability on cloud. Otherwise अगर हम इस चीज के लिए बाध्य हों कि हमारा जो data available है उसी particular location पे जाके हमें काम करना होगा, so think कि वो कितना अपने आप में tedious task हो जाए. That is not possible from anywhere in the location. तो क्लाउड गिव्स अस द फैसिलिटी सो दैट हम कभी भी कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इन अवर मशीन इटसेल्फ. सो आफ्टर लिसनिंग दिस आई होप कि आप ये टॉपिक के बारे में, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अवेलेबल होता है, सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर नोड एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड. क्लाउड क्या है, क्लाउड के बारे में आप लिख सकते हैं. सो विद दिस आई सेड कि आपकी जो यूनिट नंबर 3 है जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद आईओटी कॉन्सेप्ट, ये हमने करी है कंप्लीट. अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर आईसी टेक्नोलॉजी. राइट, सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे बात करेंगे यूनिट नंबर 4. थैंक यू.